बड़े ग्रुप्स के आ, की जो का जो का पूरा आ, उनके पास जितना पैसा है है जितनी संपत्ति है, उसको कंट्रीब्यूशन के टर्म में कैसे देख रहे हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन उनका, कर उनका, रहे हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है टैक्स सरकार को देना रेवेन्यू सरकार का काम क्या होना चाहिए सरकार का काम काम होना चाहिए पॉलिसी और प्रिंसिपल ऐसे बनाए कि ये कैपिटलिस्ट या ये बिजनेसमैन या ऑन्टरप्रन्य किसी का शोषण ना करे ये किसी का शोषण नहीं करे यानी कि आपका सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए लेकिन जैसे ही आप ये कहते हैं कि हम सब बराबर हैं तो आप मेरिटोक्रेसी को किल कर देते हैं चाणक्य पंडित ने अपने टाइम पे मेरिटोक्रेसी को बिल्ड किया उस टाइम से मेरिटोक्रेसी बिल्ड होती आ रही है आप जो है पॉलिटिकल एजेंडा के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग और मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज पे आज कोई कॉमेंट नहीं करूंगा क्या? किस चीज को इस्तेमाल करते हैं हम लोग पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इसी को इस्तेमाल करते हैं ना कि भाई तुम आ, जो है दलित हो तुम महादलित हो तुम्हारा वोट शेयर मेरा तुम्हारा वोट शेयर मेरा महादलित का मतलब क्या हो गया एक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी बना दी मैंने महादलित का मतलब क्या हुआ भाई तुम्हारे लिए देर इज नो कॉम्पिटिशन बट आई एम द कॉम्पिटन ऑल द महादलित विल कम बैक टू मी बिकॉज आई एम द वॉइस ऑफ दीज महादलित आपने क्या किया वहां पर वैसा करते ही आपने एक अलग कल्ट क्रिएट किया और आपने कल्ट क्रिएट किया आप उनके अधिकारों के लिए लड़िए लेकिन उनको सक्षम बनाने पे काम करिए सक्षम बनाने पे काम करिए और सक्षम जो बनता जा रहा है उसको आगे बढ़ाइए वो है मेरिट मैं ये नहीं कह रहा कि आपको गरीब की मदद नहीं करनी गरीब की मदद तभी होगी जब खुशहाली आएगी फायदा सबका होगा खुशहाली लानी है आपको आपको बदहाली को और बदतर नहीं बनाना उसको सब कुछ फ्री में देके मेरा यहां पर एक सवाल है जो कि कौंधना लाजिम है विवेक बिंद्रा आप आरक्षण पे क्या सोचते हैं क्योंकि इस अभी ये बहस हो रही है अभी हम लोग की ये बातचीत हम लोग कर रहे हैं और मामला कोर्ट में मीडिया में अपने अपने तरीके से चल भी रहा है क्योंकि हम उस आइडिया के हैं कि आरक्षण है वो इसीलिए है कि सक्षम बनाने के लिए है, जो अपने को लगता है सक्षम बनाने के लिए सभी को उसके हिस्से की हिस्सेदारी मिले नौकरियों में मिले विद्यालयों में मिले यूनिवर्सिटीज में मिले कॉलेजेस में मिले आप बात और मुझे भाई साथ। मैं, साथ। मैं, 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 मैं बात पूरी कर करूं उसके बा... बाद आप आप ये कह रहे हो कि फिर मेरोटोक्रेसी बड़ी चीज है आप ये कह रहे हो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ आप कह रहे हो सभी को हिस्सेदारी मिले मैं कह रहा हूँ सभी को नहीं मिले पूछे क्यों इसलिए नहीं मिले जो सक्षम है उसको मिले अब वो किसी भी तबके से आता हो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो किसी भी फाइनेंशियल स्टेटस से आता हो अगर वो काबिल है उसमें क्षमता है तो उसको मिले ये नहीं कि मैं इस जात का हूं तो मुझको मिले ये कई बार लोग ना मुझसे शिकायत करते हैं कि भगवत गीता में ब्राह्मणवाद वाद से खाया गया है या भगवत गीता में जो है हिंदूवाद से खाया गया है उन लोग को क्या है? घोर अज्ञानता के लक्षण पकड़ करते हैं तो जानकारी कुछ है नहीं और ये सब वही पोलिटिकल राजनीतिक के एजेंडा के चलते कुछ भी जो मन करा है कॉमेंट करते हैं या इनसिक्योर हो जाते हैं मैं आपको उत्तर देता हूं उसका hmm. कृष्ण क्या कहते हैं चातुर्वण्य मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशा सुनिएगा ध्यान से सिद्धांत जी क्या कह रहे हैं गुणा कर्म विभागशा गुण और कर्म के आधार पर विभाजन किया कृष्ण ने जन्म विभाग से नहीं किया आज के नेताओं ने जन्म विभाग से कर दिया वहां से दिक्कत है कि तुम जो है आज इसके ब्राह्मण के बेटे उठलिये ब्राह्मण और तुम शूद्र के बेटे शूद्र गलत है ये कृष्ण ने बोला ऐसा नहीं बोला उन्होंने कहा वर्ण्यम माया सृष्टम चार वर्णों की मेरी सृष्टि चार कौन से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लेकिन गुण कर्म विभाग कृष्ण की बात रिपीट कर रहा मेरी नहीं है आपकी नहीं है ये किसी पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं है कर्म मतलब क्या हुआ भाई साहब गुण का मतलब हुआ साइकोलॉजी कर्म मतलब फिजियोलॉजी साइको फिजिकल नेचर के हिसाब से डिसाइड करेंगे वो आदमी क्या काम करेगा आप एक बात बताओ ना भाई साहब जज का बेटा बिना पढ़ाई की अपना जज बन जाता है गाइस लाउडली यस नो एवरीबॉडी कम ऑन यस नो लॉयर का बेटा लॉयर बन जाता है यस yes, नो no. उसको चाहिए गुणा कर्म ऑफ द लॉयर गुणना कर्म ऑफ द जज भाई साहब आपके पास में जो साइकोफिजिकल नेचर है उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए उसी वो है मेरिटोक्रेसी मेरी क्षमता के हिसाब से मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से उससे सही समाज बनेगा समाज सही तभी बनेगा जब आप काबिल को आगे बढ़ाओगे समाज तब सही नहीं बनेगा जब सबको आगे बढ़ाओगे काबिल को आगे बढ़ाओगे वो सबको आगे बढ़ाएगा वो अपने आप बाकियों को आगे बढ़ाएगा हर एक को ब्राह्मण बनने की ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी ठीक है एडमिन आपका क्षत्रिय का मतलब हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी वैश्य का मतलब क्या हुआ मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी जो भोजन का काम कर रहा है का मतलब क्या हुआ असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है ही 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 कैन कैन बी बी माइनस बट बट नॉट नंबर एंड डू फैंटास्टिक वर्क कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया उसको लीडर मत बनाओ भैया दिक्कत करेगा वो आदमी क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है एक आदमी स्ट्रैटेजी का एक एग्जीक्यूशन का है एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा और पूरे देश का नाश हो जाएगा